कि अगर आप किसी को रोजा नहीं तोड़ने दे रहे हैं तो नमाज भी मत छोड़ दे दीजिए, तो जकात भी मत छोड़ने दीजिए, तो हज उमरा से भी उसको कहिए कि अगर हज उमरे के लायक हो गए जाओ हज करके आओ, उमरा करके आओ। अगर कोई सिगरेट पी, आपने उसको पानी तो छीन लिया, सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं, आप क्यों नहीं रोकते? लोग तंबाकू खाते क्यों नहीं रोकते? हमारे मोहल्लों में ड्रग्स ली जाती, आप क्यों नहीं रोकते? अब बहुत से ऐसे मुनकरात किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे गुनाह हमारी निगाहों के सामने किए जाते हैं, हम क्यों नहीं रोकते? तो रमजान हमको ये ट्रेनिंग देता है कि जैसे आपने उस हलाल चीज, जो पानी मगरिब के बाद हलाल हो जाएगा, उस पानी से आप एक इंसान को रोक रहे हैं, तो और गुनाहों से भी समाज में लोगों को रोकिए। ये मिजाज, ये मूड, ये तबीयत पैदा कीजिए, ये जुरत पैदा कीजिए। एक आखिरी